आखिर मुंबई पुलिस ने जो शिव ठाकरे और बिग बॉस सीजन 16 के मेकर्स के खिलाफ नोटिस निकाला हुआ है, उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है? जी हाँ, उस नोटिस में दो ऐसी बड़ी बातें लिखी हैं जिसे अगर आप सुन लेंगे तो काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसी दो बातें मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष ने वहां पर लिखी हुई हैं कि अगर वो लागू हो जाती हैं तो शिव ठाकरे को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, यहीं बिग बॉस के मेकर्स को भी इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे में आखिर उस नोटिस में कौन कौन सी दो बड़ी बातें लिखी हैं, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अर्चना को बिग बॉस के घर से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि अर्चना ने शिव ठाकरे के गले को पकड़ लिया था, वो शिव ठाकरे के साथ फिजिकल हो गई थी। लेकिन अब खबरों की माने तो मेकर्स का भी ये मानना है कि शिव ठाकरे ने ही अर्चना को उकसाया था। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष प्रियंका गांधी को लेकर कई उल्टी सीधी बातें नेशनल टेलीविजन पर कही थी, जिसके चलते अर्चना काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। अर्चना ने पहले भी शिव से कहा था कि मैं प्रियंका गांधी के बारे में उल्टा सीधा नहीं सुन सकती, क्योंकि मैं उन्हें एक भगवान की तरह मानती हूँ, मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ। जिसके चलते शिव ठाकरे ने प्लानिंग की और प्रियंका गांधी के बारे में ऐसी ऐसी बातें अर्चना के सामने कह डाली कि वो अपना आपा खो बैठी, जिसके चलते अर्चना ने शिव ठाकरे का गला पकड़ लिया और उन्होंने बिग बॉस घर से बेघर कर दिया गया है। ऐसे में अब जो नोटिस शिव ठाकरे के खिलाफ निकाला है, जो नोटिस कलर्स चैनल के प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ निकाला है, उसमें दो बड़ी बातें ये लिखी हुई हैं। पहली बड़ी बात ये है कि कांग्रेस के अध्यक्ष का ये कहना है कि शिव ठाकरे ने नेशनल टेलीविजन पर जो प्रियंका गांधी को उल्टी सीधी बातें कही हैं, उसको लेकर वो माफी मांगे। जी हाँ, नोटिस में साफ साफ लिखा है कि नेशनल टेलीविजन पर आकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। बात करें अगर दूसरी बड़ी बात की, तो दूसरी बड़ी बात है कि उन्होंने लिखा है कि अगर ऐसा नहीं होता है, शो के मेकर्स शिव से माफी नहीं मंगवाते हैं, तो वो बिग बॉस को ही बंद कर देंगे। जी हाँ, एंडमोल को ये धमकी दी गई है कि बिग बॉस शो बंद हो जाएगा कि अगर शिव नेशनल टेलीविजन पर आकर अपनी सारी बातों को वापस नहीं लेते हैं, अपनी सारी बातों को वापस लेकर माफी नहीं मांगते हैं। अब देखना ही होगा कि शिव ठाकरे को मेकर्स इस बात को लेकर क्या कहते हैं और वो माफी मांगते हैं नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या शिव ठाकरे ने गलत किया है या नहीं, हमें कमेंट करें। और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।